दोस्तों आजकल काफ़ी सारे किसान खेती करते समय फल फूल आने के टाइम पौधे में बहुत सारे किसान टॉनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉनिक के बारे में बात करेंगे जो कि ऐसा टॉनिक हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धानुका एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का धनबर्षा टॉनिक के बारे में। तो दोस्तों धनबर्षा टॉनिक क्या है और इसका टेक्निकल क्या है, इसको फसल में स्प्रे करने के बाद क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, धनबर्षा को कौन कौन सी फसल में स्प्रे किया जा सकता है, इसका डोज कितना है, इसका प्राइस कितना है, क्या इसके साथ किसी दूसरे फंगिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो पूरे डिटेल्स में आज हम धानुका एग्रीटेक कंपनी का धनबर्षा टॉनिक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं धनबर्षा क्या है। तो धनबर्षा एक ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसमें एमिनो एसिड तथा पेप्टाइड पर आधारित एक कार्बनिक जैविक उत्प्रेरक भी माना जाता है। अब बात आती है धनबर्षा का टेक्निकल के बारे में। तो दोस्तों धनबर्षा में एमिनो एसिड के साथ साथ पेप्टाइड्स भी पाया जाता है और सभी प्रकार पोषक तत्व भी पाया जाता है, यानी एक पौधे का ग्रो करने के लिए जितने प्रकार के पोषक तत्व लगता है तो वो इसके अंदर पाया जाता है। अब बात आती है धनबर्षा का बेनिफिट। तो दोस्तों जैसे कि धनबर्षा अगर आप लोग किसी भी क्रॉप में स्प्रे करते हैं तो जो बेनिफिट मिलता है यानी जो फायदा मिलता है वो क्या क्या मिलता है, उससे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों धनबर्षा को जैसे फसल में स्प्रे करते हैं तो धनबर्षा एक ऐसा टॉनिक है जो कि सभी प्रकार के पोषक तत्व पाया जाता है और जिन्हें पौधे में प्रकाश संश्लेषण और फूल बनाने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। उसके अलावा धनबर्षा को जैसे आप लोग स्प्रे करते हैं किसी पौधे में तो जैसे कि फूल फल जो गिरता है उसको भी रोक देता है। उसके अलावा धनबर्षा बीज के भ्रूण को वृद्धि को बढ़ावा देकर अंकुरण में मदद करता है। धनबर्षा पेप्टाइड होने के कारण पौधे के विभिन्न भागों में पोषक तत्व को परिवहन करने के लिए भी मदद करता है। उसके अलावा सबसे मेन खासियत बात धनबर्षा एक पौधे के विकास के लिए मिट्टी का जो संरक्षण होता है वो सुधार करता है और उसके साथ साथ जड़ों को भी विकास करता है। उसके अलावा धनबर्षा इसको वनस्पतिक अवस्था में अगर स्प्रे करते हैं तो वो फंगल डिजीज और वायरल डिजीज जो होता है उसके प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना देता है। तो इतने सारे फायदा धनबर्षा के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छा टॉनिक माना जाता है। अब बात आती है धनबर्षा का क्रॉप स्प्रे। तो जैसे कि दोस्तों धनबर्षा को अगर किसी भी क्रॉप में स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि धान, कपास, सोयाबीन, आलू, मटर, टमाटर, बैंगन, प्याज, लहसुन, आम, अंगूर, केला, गाजर, पालक, किसी भी क्रॉप में अगर स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फायदा बहुत सारे मिल जाएगा। अब बात आती है धनबर्षा का डोज। तो दोस्तों धनबर्षा का जो डोज रखना है आप लोगों को 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 15 लीटर का पंप लिए हैं और इसमें हम 30 ml धनबर्षा को यहाँ पर डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से हम इसको घोल बनाकर मिर्च के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट धनबर्षा के ऊपर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है धनबर्षा का प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों धनबर्षा का जो 100 ml का प्राइस है मार्केट में लगभग 150 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मार्केट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से, बट लगभग 100 ml का फाइल 150 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा बात आती है क्या धनबर्षा के साथ किसी भी फंगिसाइड या फिर किसी भी इंसेक्टिसाइड को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि धनबर्षा के साथ अगर किसी भी फंगिसाइड या फिर किसी भी इंसेक्टिसाइड को मिला करके स्प्रे कर रहे हैं तो 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए धनबर्षा को अगर आप लोग सिंगली स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों धानुका एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का धनबर्षा PGR के बारे में पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर कोई सुझाव या सवाल रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।